हेलो नमस्ते साथी स्वागत है तब चैनल नेपाल इंजीनियर्स लोक सेवा सोलूसन में आज को भिडियो में तैयार लगी वेब इंस्टिट्यूट को कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी को सेट वन में चाहे 30 क्वेश्चन इंपोर्टेंट क्वेश्चन लीएर उपस्थित भएको छु जुन कि धेरै नै इंपोर्टेंट हो सब इंजीनियर र असिस्टेंट सब इंजीनियर को लगी धेरै नै इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेको छ। सेट वन में चाहे 30 क्वेश्चन डिस्कस करने कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी को अब क्वेश्चन आज को विषय वस्तु तीर जाऊँ। आज को विषय वस्तु स्टार्ट करना गई रहे आज को विषय वस्तु में 30 बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी को सेट राखना गई। अब क्वेश्चन नंबर एक तीर जाऊँ। क्वेश्चन नंबर एक में के बिल्डिंग रिक्वायर्स मेन पावर एक्सेप्ट अफ सिविल इंजीनियर ए में इलेक्ट्रिकल बी में मैकेनिकल सी में सैनिटरी तो इसको सही उत्तर डी हो ऑल अफ द अबव। बिल्डिंग रिक्वायर्स मेन पावर एक्सेप्ट अफ सिविल इंजीनियर इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल सैनिटरी ऑल अफ द अबव हुन्छ। अब क्वेश्चन नंबर दुई में के व्हाट आर द पार्ट अफ बिल्डिंग बिल्डिंग को कुन कुन पार्ट हो ए में सब स्ट्रक्चर बी में सुपर स्ट्रक्चर यह दुवै पार्ट हुन्छ। अब क्वेश्चन नंबर तीन में के क्वेश्चन नंबर तीन में रहे तब को द सुपर स्ट्रक्चर लाइज द सुपर स्ट्रक्चर लाइज एबोव द ग्राउंड लेवल हो सबले था भएको कुरा हो। अब क्वेश्चन नंबर पांच चार में के व्हिच अफ द फ्लोइंग आर नोट द कंपोनेंट अफ बिल्डिंग इसमें कुन चाहे कंपोनेंट अफ बिल्डिंग होना यह चाहे धेरे इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो रिपीटेड क्वेश्चन हो। फाउंडेशन चाहे कंपोनेंट अफ बिल्डिंग हो वाल कोलम भी हो डोर भी हो तर एबटमेंट चाहे होना। अब क्वेश्चन नंबर पांच में के क्वेश्चन नंबर पांच में रहे पर्पस अफ फाउंडेशन आर पर्पस अफ फाउंडेशन आर टू डिस्ट्रीब्यूट द वेट अफ स्ट्रक्चर ओवर लार्ज एरिया टू प्रिभेन्ट अनइक्वल सेटलमेंट टू प्रोवाइड अ लेवल सर्फेस फर बिल्डिंग ऑपरेशन तो डी चाहे इसको सही उत्तर हो पर्पस अफ फाउंडेशन को चाहे। अब क्वेश्चन नंबर सिक्स में के फाउंडेशन इज द लोअर पार्ट लोएस्ट पार्ट अफ स्ट्रक्चर चाहे फाउंडेशन नै हुन्छ त्यही भएर यसको चाहिँ सही उत्तर ए भयो। अब क्वेश्चन नंबर सात में के सेलो फाउंडेशन इज सेलो फाउंडेशन में चाहे के हुन्छ त डेप्थ इज लेस देन ओर इक्वल टू विड्थ हुन्छ। डेप्थ इज लेस देन ओर इक्वल टू विड्थ हुन्छ डेप्थ इज लेस देन ओर इक्वल टू विड्थ हुन्छ तपाईको यो चाहिँ सेलो फाउंडेशन को हो तर डीप फाउंडेशन में चाहिँ ग्रेटर हुन्छ। अब क्वेश्चन नंबर 40 अब क्वेश्चन नंबर 8 में के टाइप्स अफ सेलो फाउंडेशन आर टाइप्स अफ सेलो फाउंडेशन आर कति हुन्छ र चाहिँ सेलो फाउंडेशन में यो पनि हुन्छ डी बाई बी इज लेस देन ओर इक्वल टू 1 हुन्छ यो पनि याद राख्नु। अब क्वेश्चन नंबर 8 में के टाइप्स अफ सेलो फाउंडेशन आर टाइप्स अफ सेलो फाउंडेशन स्पेयर्ड मैट स्ट्रैप सब हो सजिलो क्वेश्चन रहेको छ ऑल अफ द अबव यसको चाहिँ सही उत्तर हो। अब क्वेश्चन नंबर 9 में के द रेशियो अफ लेंथ एंड ब्रेथ फर स्पेयर्ड फुटिंग को लगी चाहे एक र दुई को बीच में हुनुपर्यो लेंथ र ब्रेथ को रेशियो एल बाई बी रेशियो चाहे लाइज बिट्विन 1:2 में हुनुपर्यो जसलाई चाहे स्पेयर्ड फुटिंग भनिन्छ। अब क्वेश्चन नंबर 10 में के कम्बाइन्ड फुटिंग सपोर्ट्स कंबाइंड फुटिंग सपोर्ट्स ए में टू और मोर कोलम स्पेस्ड क्लोज टुगेदर टू और मोर कोलम स्पेस्ड टुगेदर जसलाई चाहिँ कंबाइंड फुटिंग भन्छ। कंबाइंड फुटिंग सपोर्ट टू और मोर कोलम स्पेस्ड क्लोज टुगेदर। अब क्वेश्चन नंबर 11 में के व्हेन टू और मोर आइसोलेटेड फुटिंग आर कनेक्टेड बाई बीम इज कल्ड स्ट्रैप फुटिंग त्यस्तोलाई भनिन्छ। व्हेन टू और मोर आइसोलेटेड फुटिंग आर कनेक्टेड बाई बीम इज कल्ड स्ट्रैप फुटिंग हो। अब क्वेश्चन नंबर 12 में के 12 में रहेको छ द बीम इज यूज फर कनेक्टिंग द टू और मोर आइसोलेटेड फिटिंग द बीम इज यूज फर कनेक्टिंग द टू और मोर आइसोलेटेड फुटिंग इज कल्ड स्ट्रैप बीम भन्छ त्यस्तोलाई। द बीम इज यूज फर कनेक्टिंग द टू और मोर आइसोलेटेड फुटिंग त्यस्तोलाई स्ट्रैप बीम भन्छ। अब क्वेश्चन नंबर 13 में के मैट फाउंडेशन इज यूज व्हेन ए में बेयरिंग कैपेसिटी अफ सोइल इज लो बी में फाउंडेशन कोवर्स मोर देन 50% एरिया अनि सी में हैवी लोड ओकर्स इन स्ट्रक्चर तो मैट फाउंडेशन यो कंडीशन आयो भने चाहिँ प्रोवाइड गरिन्छ। अब क्वेश्चन नंबर 14 में के 14 में रहेको छ द डेप्थ अफ स्टील ग्रिलेज फाउंडेशन इज लिमिटेड टू 1:1.5 हुन्छ। अब क्वेश्चन नंबर 15 में के कम्बाइंड फुटिंग इज प्रोवाइडेड कति बेला चाहिँ कम्बाइंड फुटिंग प्रोवाइड गर्छ त कोलम आर भेरी नियर टू इच अदर हुँदाखेरि अनि द इंडिविजुअल फुटिंग
आर ओभरलैप इज ओदर हुँदाखेरि कम्बाइन फुटिङ चाहिँ प्रोभाइड गरिन्छ। अब क्वेश्चन नम्बर 16 मा के छ, टु कन्स्ट्रक्ट अ फाउन्डेसन फर एनी मल्टिपर्पज बिल्डिङ वेन प्लट एरिया इज 1000 square feet एन्ड द 15 number अफ फुटिङ आर कन्स्ट्रक्टेड वेयर साइज अफ वन फुटिङ चाहिँ 6 feet by 6 feet देन टाइप अफ फाउन्डेसन यु विल प्रिफर्ड म्याट फाउन्डेसन, यस्तो चाहिँ क्वेश्चनहरू आउन सक्छ। अब क्वेश्चन नम्बर 40 क्वेश्चन नम्बर 17 मा के छ, द सेप अफ कम्बाइन्ड फुटिङ मे बी, सेप अफ कम्बाइन्ड फुटिङ कस्तो हुन्छ त, एमा छ रेक्ट्याङ्गुलर, बीमा छ ट्रेपिजोइडल, सीमा छ स्क्वायर, डीमा छ अल अफ द अबभ। त्यसको चाहिँ सही उत्तर हुन्छ अल अफ द अबभ, सेप अफ कम्बाइन्ड फुटिङ कुनै पनि हुन सक्छ। अब क्वेश्चन नम्बर 18 मा के छ, म्याट फाउन्डेसन कभर्स, एमा छ इन्टायर एरिया, ब्रिथ अ स्ट्रक्चर, अनि बीमा छ इन्टायर एरिया एबोभ द स्ट्रक्चर। म्याट फाउन्डेसन सबैले चाहिँ कभर गर्छ, इन्टायर एरिया, एरिया, ब्रिथ अ स्ट्रक्चर। अब क्वेश्चन नम्बर 19 मा के छ, म्याट फाउन्डेसन इज प्रोभाइडेड वेन फाउन्डेसन कभर मोर देन 50% एरिया, अनि बीमा छ फाउन्डेसन कभर मोर देन 60% एरिया। त्यसको चाहिँ सही उत्तर हुन्छ, म्याट फाउन्डेसन इज प्रोभाइडेड वेन फाउन्डेसन कभर मोर देन 50% एरिया। अब क्वेश्चन नम्बर 20 मा के छ, द ग्रिलेज फाउन्डेसन इज प्रोभाइडेड वेन हेभी लोड ओकर इन स्ट्रक्चर, ग्रिलेज फाउन्डेसन कति बेला चाहिँ प्रोभाइड गरिन्छ, जबकि हेभी लोड ओकर इन स्ट्रक्चर भयो भने ग्रिलेज फाउन्डेसन चाहिँ प्रोभाइड गरिन्छ। अब क्वेश्चन नम्बर 21 मा के छ, डिप फाउन्डेसन इज डिफाइन्ड एज डेप्थ इज ग्रेटर देन विड्थ, चाहिँ यसको चाहिँ सही उत्तर हो, डेप्थ इज ग्रेटर देन इट्स विड्थ भयो भने डिप फाउन्डेसन चाहिँ प्रोभाइड गरिन्छ, तर सेलो फाउन्डेसन डी बाई बी रेसियो इज लेस देन इक्वल टु 1 हुनुपर्छ, अथवा डी इज लेस देन इक्वल टु बी हुनुपर्छ, त्यस्तोमा चाहिँ सेलो फाउन्डेसन र डिप फाउन्डेसनको यो कन्डिसन रहेको छ। अब क्वेसन नम्बर 22 मा के छ, द लोड टेकन बाई पाइल फाउन्डेसन इज, एमा छ फ्रिक्सन, बीमा छ बियरिङ, सीमा छ बियरिङ एन्ड फ्रिक्सन। तर लोड टेकन बाई पाइल फाउन्डेसन बियरिङ एन्ड फ्रिक्सन, यसको चाहिँ सही उत्तर हो। यदि यस्तै टाइपको क्वेसनहरू तपाईँहरू हाम्रो च्यानलमा हेर्न चाहँदै हुनुहुन्छ एसिस्टेन्ट सब इन्जिनियर र सिभिल इन्जिनियरको एमसिक्यूको लागि, हाम्रो च्यानललाई चाहिँ सब्सक्राइब गरेर तपाईँहरू सपोर्ट गर्न सक्नुहुन्छ। हस्त साथीहरू, अब क्वेसन नम्बर 23 मा जाउँ। 23 मा के रहेको छ, द पाइल फाउन्डेसन इन विच टप एन्ड बोटम अफ अ क्याजन इज क्लोज्ड, एमा छ ओपेन क्याजन, त्यसलाई भन्छ ओपेन क्याजन, द पाइल फाउन्डेसन इन विच टप एन्ड बोटम अफ द क्याजन इज अ क्लोज, त्यसलाई चाहिँ ओपेन क्याजन भन्छ। अब क्वेसन नम्बर 24 मा के छ, 24 मा रहेको छ, द फाउन्डेसन विच इज युज फर द प्रोटेक्ट स्ट्रक्चर फ्रम अपलिफ्ट प्रेसर, अपलिफ्ट प्रेसरसँग चाहिँ प्रोटेक्ट गर्नको लागि टेन्सन पाइल चाहिँ प्रोभाइड गर्नुपर्छ, द फाउन्डेसन विच इज युज फर द फोर्ड टु प्रोटेक्ट स्ट्रक्चर फ्रम अपलिफ्ट प्रेसर, त्यस्तोलाई चाहिँ टेन्सन पाइल भन्छ। अब क्वेसन नम्बर 25 मा के छ, द लोड ट्रान्सफर सिस्टम अफ फ्रेम स्ट्रक्चर इज स्ल्याब टु बिम टु कोलम टु फाउन्डेसन, स्ल्याबदेखि बिममा जान्छ, त्यसपछि बिमदेखि कोलममा, त्यसपछि फाउन्डेसनमा, यो चाहिँ लोड ट्रान्सफर सिस्टमको फ्रेम स्ट्रक्चर हो। अब क्वेसन नम्बर 26 मा के छ, द स्टेप्ड फुटिङ इज प्रोभाइडेड वेन द ग्राउन्ड इज स्लोपिङ फोममा छ भने स्टेप्ड फुटिङ चाहिँ प्रोभाइड गर्नुपर्छ, वेन द ग्राउन्ड इज स्लोपिङ फोम हुनुपर्छ, त्यस्तो कन्डिसनको लागि स्टेप फुटिङ प्रोभाइड गर्नको लागि। अब क्वेसन नम्बर 27 मा के छ, द कन्टिन्युस फुटिङ इज युज बाई, एमा छ एक्साभेसन अफ ट्रेन्स अल ओभर द एरिया एट द सेम लेभल, द कन्टिन्युस फुटिङ इज युज ओन्ली बाई, द कन्टिन्युस फुटिङ इज युज बाई एक्साभेसन अफ ट्रेन्स अल ओभर द एरिया एट द सेम लेभल, यसको चाहिँ सही उत्तर ए हुन्छ। अब क्वेसन नम्बर 28 मा के छ, द मेन पर्पज अफ कन्टिन्युस फुटिङ इज, द मेन पर्पज अफ कन्टिन्युस फुटिङको चाहिँ मेन पर्पज कुन हो, टु प्रिभेन्ट फाउन्डेसन फ्रम डिफरेन्सियल सेटलमेन्ट, टु सपोर्ट टु ओर मोर कोलम एट सेम लेभल, द मेन पर्पज अफ कन्टिन्युस फुटिङ चाहिँ बोथ एन्ड बी हुन्छ। अब क्वेसन नम्बर 29 मा के छ, द फुटिङ विच सपोर्ट सिङ्गल कोलम इज कल्ड, सिङ्गल कोलमलाई सपोर्ट गर्ने
फुटिंग ले दस फुटिंग विथ सपोर्ट सिंगल कोलम इज कल्ड स्पियर्ड फुटिंग भोला अब दुईवटा ज्वाइन गयो कंबाइंड फुटिंग भाव क्वेश्चन नंबर 30 में के द फाउंडेशन व्हिच इज यूज फॉर सपोर्टिंग मेसिन इज कल्ड द फाउंडेशन व्हिच इज यूज फॉर सपोर्टिंग मेसिन इज कल्ड ए में मैट फाउंडेशन बी में पाइल फाउंडेशन सी में मेसिन फाउंडेशन तेको सही उत्तर सी हो मेसिन फाउंडेशन हस्त साथी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी को आज हमीर 30 क्वेश्चन डिस्कस गयो यो क्वेश्चन अलग इंपोर्टेंट क्वेश्चन कलेक्शन थियो यो चाहे वेब इंस्टिट्यूट बाट लिएको क्वेश्चन थे वहाँ यो क्वेश्चन बनाएर चाहिए स्टूडेंटहरुलाई डिस्ट्रिब्यूट गरेको छ। हस्त साथी यो भिडियो कस्तो लाग्यो तपाईहरुलाई भिडियो राम्रो लाग्दैछ भने तपाईहरु को च्यानल चाहिँ सब्स्क्राइब गरेर भिडियोलाई लाइक गरेर हाम्रो च्यानल सँग जुड्नु होला। हस्त साथीहरु यस्तै टाइपको क्वेश्चन चाहिँ लोकसेवामा पनि आउन सक्छ र आउने चान्सेस अपकमिंग लोकसेवाको लागि हुन सक्छ। हस्त साथीहरु धन्यवाद।